नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रो सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग एप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम किस तरह से एक सी प्रोग्रामिंग के थ्रू स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि अपने को क्या करना है। अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, अपने को पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और हम किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान है। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड, वही आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 2 तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 4, वैल्यू देता हूँ 3 तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी कि 3 × 3। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 5 तो 5 स्क्वायर यानी कि 25, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। हम यहाँ पर दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड करा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट पर हम काम कर सकें। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लगाया। मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं लोकल में, एक ए और एक एस। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एरिया को और एस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा साइट को। तो यूज़र से हम साइट लेते हैं कि भाई एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, जो भी हमारा स्क्वायर होगा उसकी साइड आ जाए, और उसे हम स्कैन करा लेते हैं एस में, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सी बात है, साइड इनटू साइड हमने फार्मूला लगा दिया, जिसको स्टोर करा लिया हमने ए में, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा दिया इस तरह से कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज परसेंटाइल डी कॉमा ए। और इस तरह से हमारे को एरिया ऑफ स्क्वायर पता चल जाएगा। आइए कंपाइल और रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, देखिए कुछ भी गलती नहीं है इस प्रोग्राम में। और उसके बाद रन करके देखते हैं, ये देखिए रन करने पर पूछ रहा है हमारा एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैंने माना यहाँ पर 4 दे दिया है स्क्वायर की साइड, और एंटर करने पर तुरंत बताता है वो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16। तो ये था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला। हम यहाँ पर दोबारा से ट्राई करते हैं। माना कि हम यहाँ पर 12 दे रहे हैं, तो हमको पता है 12 × 12 = 144, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144। चलिए जल्दी से आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन और दिखा देता हूँ, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं math.h नाम की हेडर फाइल का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पावर फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि भाई अगर हम s की पावर 2 लिखते हैं और उसे a में स्टोर करते हैं तब भी हमारा सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने s इंटू s की बजाय s की पावर 2 यूज़ किया है। तो हम देखते हैं किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और हम अपना डिजायर्ड आउटपुट पाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर ले लिया है, उसको स्कैन करा लिया। स्कैन कराने के बाद मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं a = पावर यानी कि POW और उसके बाद ब्रैकेट में s यानी कि जो भी साइड की वैल्यू है (2), और इसको स्टोर करा लिया है हमने a में, दैट मीन s की पावर 2। तो जो भी s की वैल्यू होगी, जैसे 4 होगी तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और परसेंटाइल डी पुरानी तरह लिख दिया जैसे हमने पहले लिखा था, और देखते हैं इसको रन कराकर, कंपाइल कराकर। कंपाइलेशन में कोई गलती नहीं दिखा रहा है। अब इसको रन करते हैं बिना देर किए, और ये प्रोग्राम रन हो चुका है। माना मैंने यहाँ पर 4 डाली है स्क्वायर की साइड, तो हमारा 16 इसका आंसर आ गया। और अगर हम इसे दोबारा भी रन करना चाहें और साइड चेंज कर दें, जैसे एरिया ऑफ, तो जैसे हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 3, तो इसका आंसर हमारा आ गया 9। तो ये था एक दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से डेटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमने यूज़ किया इस प्रोग्राम में, और किस तरह से यूज़र से वैल्यू ली स्कैन करा के, स्कैन करके हमने यूज़र से वैल्यू ली है और उसके बाद फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ कराए।
और फाइनली हमने जो भी हमारे फॉर्मूले का आउटपुट आया उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको इसी तरह का स्टेप प्रोवाइड कराता रहूं। और अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग और अदर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग भी, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको वीडियो चाहिए मेरे से, तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।